सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 के लिए एक और मैं रोम का रिव्यू लेके आया हूँ। रेजोरेक्शन रोम इसका नाम है। स्टॉक एंड्रॉइड है 7.1.2 है, ये काफी स्टेबल भी है। चलिए बगैर टाइम जाया किए देखते हैं आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आपने इसकी फाइलें डाउनलोड कर लेनी है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे अपनी इंटरनल मेमोरी में सेव कर लें और अपने मोबाइल को ऑफ कर दें। मोबाइल ऑफ हो जाए आपका तो फिर आपने इसका वॉल्यूम अप, होम और पावर बटन दबा के रखना है एक साथ ताकि रिकवरी में बूट हो जाए। रिकवरी में बूट हो जाने के बाद आपने वाइप पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद नीचे स्लाइड कर देना है, उसके बाद आपने बैक दबाना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लें। यहाँ पर आपने अपनी रोम सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेजोरेक्शन रोम में सेलेक्ट कर ली है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे स्वाइप कर देना है, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है। इसके बाद आपने फिर बैक दबा लेना है और इस रोम के साथ जो जी एप्स हैं वो इंस्टॉल कर लेने हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे फिर एक दफा स्वाइप करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपने वाइप कैश एंड डेवलिक पे क्लिक करना है, नीचे स्वाइप कर देना है, उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, रोम इंस्टॉल हो जाने के बाद ये फर्स्ट बूट है इसकी, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगी। दोस्तों, ये आपकी वेलकम स्क्रीन शो हो चुकी है। अपने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सा लॉन्चर यूज करना चाहते हैं। मैं प्रीफर करूंगा पिक्सल लॉन्चर क्योंकि काफी स्टेबल है और काफी फास्ट है। और इसके बाद आपकी जो होम स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। चलिए इसकी सेटिंग में चलते हैं, अबाउट सेटिंग में देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर रेजोरेक्शन ओएस वर्जन 5.8.3 है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। ऑफिशियल बिल्ड है दोस्तों और बिल्ड इसकी 7.1.2 नगेट है। तो दोस्तों, आप लोग इसमें देख सकते हैं प्री इंस्टॉल काफी एप्स हैं इसमें। ये इसका कैमरा है। कैमरा दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसका, यानी कि बहुत ही सिंपल टू यूज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैमरा शटर भी इसका काफी फास्ट है। इसकी गैलरी देख लेते हैं। गैलरी भी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी है। दोस्तों, इसके साथ आपको सिर्फ एक ही वॉलपेपर आएगा जो कि इसका डेफल वॉलपेपर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन इसमें अवेलेबल है, इसे मैं इनेबल कर लेता हूं। एंड्रॉइड ओ में सपोर्ट किया गया है। स्क्रीन रोटेशन के साथ इसका जो ऐप ड्रॉवर है वो भी रोटेट हो जाता है, इसलिए काफी यूजफुल है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा रिव्यू था रेजोरेक्शन रोम का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर लें और नीचे कॉमेंट में मुझे आप बता सकते हैं कि आपको किस रोम का रिव्यू चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस रोम का रिव्यू लेकर आऊँ। एक बार फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए Goodbye.